मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको हरी मिर्च और हरी धनिया को प्रिजर्व करना बताएंगे, जिसे हमें स्टोर करके 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। क्रिएटिव रमा को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अक्सर हम लोग हरी धनिया लाते हैं, हरी मिर्च लाते हैं, तो ये खराब हो जाती है बहुत जल्दी से और ये गलने लगती है। इसे हम बहुत आसान तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं और देखते हैं इसे हमें कैसे प्रिजर्व करना है। तो इसे प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेश हरी मिर्ची और हरी धनिया चाहिए। इसमें से अगर आपको लगे कि कोई सड़ी है या फिर खराब है मिर्ची, तो उसे हमें निकाल देना है इस तरीके से। अगर लगे कि इसमें पानी है या टूटा हुआ है पहले से, तो इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि एक मिर्ची सारी मिर्ची को ख़राब कर देती है। तो पहले हमें अच्छी तरीके से मिर्ची को देख लेना है। मैंने हरी मिर्च को धो करके और सुखा लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है। आपको बिल्कुल सूखी मिर्च लेनी है, पानी बिल्कुल भी ना लगा हो। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को प्रिजर्व करते हैं। तो इसके लिए हम मिर्च के डंठल को तोड़ लेंगे इस तरीके से। सारी मिर्च के डंठल को हम तोड़ लेते हैं। तो सारी हरी मिर्च के डंठल हमने तोड़ लिए हैं इस तरीके से, और जो मिर्च खराब थी इसमें से पानी निकल रहा था, इसे भी मैंने निकाल दिया है। इस तरीके की मिर्च हमें इसके साथ नहीं रखना है, नहीं तो सारी मिर्च को ख़राब कर देती है। तो इसे रखने के लिए हमने एक डिब्बा लिया है, कोई भी डिब्बा हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, जो एयर टाइट हो, इस तरीके का हमें एक डिब्बा लेना है। ये डिब्बा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें पानी ना लगा हो। तो इसके अंदर हम टिश्यू पेपर डाल देंगे, या फिर आप न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। इस डिब्बे के अंदर इसे हम डाल देंगे और अभी सारी हरी मिर्चों को इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर थोड़े बहुत मॉइस्चर इसमें आते भी हैं, तो ये जो हमारे पास ये न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर है, ये सोख लेगा। तो अगर इसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो हरी मिर्च हमारी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से सारी मिर्च को हम भर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारी मिर्च को डिब्बे के अंदर भर दिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से इस तरीके से हम टिश्यू पेपर को ऊपर से ढक देंगे, और अब इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे। अब ये मिर्च हमारी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जो भी मॉइस्चर इसके अंदर आते भी हैं, तो इसे टिश्यू पेपर हमारा सोख लेगा और मिर्च ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप हरी मिर्च को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो 15 दिन से लेकर महीने तक इसे रख सकते हैं। बीच बीच में इसे चेक करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि कोई मिर्च खराब हो गई है, तो उसे बाहर निकाल दें और इस तरीके से फिर से लपेट करके और हरी मिर्च को रख दें। और इसे हमें फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। तो अब हम धनिया को प्रिजर्व करना बताते हैं। तो इसके लिए हमने हरी धनिया लिया है और इसे हमें चेक कर लेना है, जो भी धनिया की पत्तियाँ खराब हों इस तरीके से इसे हमें हटा देना है, इसके साथ हमें नहीं रखना है। और बिल्कुल सूखी होनी चाहिए धनिया हमारी, ख़राब ना हो, गीली ना हो, अगर इसमें पानी लगा होगा तो ख़राब हो सकता है। और इसके पीछे की जड़ भी हम तोड़ देंगे और सारी पत्तियों को जिस तरीके से ये गली हो, इसे हम निकाल देंगे। इसके पीछे की जड़ों को हम तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मैंने धनिया को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, इसके डंठल को, और जो भी पत्तियां खराब हैं उसे हमने निकाल दिया है। और एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि धनिया हमारी बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आप धुल के रखना चाहते हैं, इसे अच्छी तरीके से सुखा लें, नहीं तो जिस तरीके से आप मार्केट से धनिया लाते हैं और इसे प्रिजर्व करके रख लें, जब भी आपको यूज़ करना है तो अच्छी तरीके से इसे धोकर फिर यूज़ करें। तो इसे प्रिजर्व करने के लिए हम इस तरीके से या फिर न्यूज़पेपर लेंगे या तो टिश्यू पेपर, और इसके ऊपर धनिया को रख लेंगे और इसे हम लपेट लेंगे हल्के हाथों से, हमें दबाना नहीं है इसे। और लपेटने के बाद इसे हम एक डिब्बे में रख लेंगे, और ये भी डिब्बा हमारा एयर टाइट होना चाहिए। तो हमने इस तरीके का एक डिब्बा लिया है, इसके अंदर इसे रख लेंगे और ऊपर से ढक्कन लगाएंगे। और इसमें भी अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होता है, तो ये जो हमारा अंदर टिश्यू पेपर है वो सोख लेगा, तो धनिया हमारी ख़राब नहीं होगी। और इसे भी हम अच्छी तरीके से इस तरीके से बंद करके रख देंगे, तो 15 दिन तक धनिया हमारी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप हरी धनिया को स्टोर करें। तो इस तरीके से आप हरी धनिया और हरी मिर्च को स्टोर करके 15 दिन से लेकर के महीने तक रख सकते हैं। बस बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में आप चेक करते रहें, अगर इसके अंदर पानी
मॉइस्चर आ जाता है तो उस धनिया को या फिर हरी मिर्च को निकाल दें और फिर से फ्रेश टिश्यू पेपर में लपेट करके इसे रख लें। तो अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद आता है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दें और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप हमारे वीडियो को इस तरीके से देखते रहिए। तो फिर मिलेंगे एक नई अमेजिंग टिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।